उधर अयोध्या की खबर पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भारी बारिश की वजह से शहर में कई जगह जल जमाव और लोगों की परेशानी की खबरें सामने आ रही हैं। इसकी पड़ताल के लिए आज एबीपी न्यूज के रिपोर्टर संजय त्रिपाठी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने क्या देखा, रिपोर्ट देखिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले अयोध्या धाम के रेलवे स्टेशन को बनाया गया था। पुराने रेलवे स्टेशन को बंद करके नया स्टेशन बनाया गया था। ये अयोध्या धाम का ही रेलवे स्टेशन है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। करोड़ों रुपए लगा करके इस रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं को विकसित किया गया था, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है आप देख सकते हैं कि चारों तरफ रेलवे स्टेशन पर पानी भरा हुआ है। जिस ओर देखेंगे वहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा, गंदगी दिखेगी यहाँ पर, और यात्री इनके बीच से गुजरने के लिए मजबूर नजर आएंगे। मैं अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह से कहूँगा कि जरा भीतर की ओर जहाँ से एग्जिट है, जहाँ एंट्री नहीं है लेकिन एग्जिट है, लोग ट्रेनों से निकल करके आते हैं, उसकी तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिरकार भीतर के जो हालात हैं वो क्या हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पंपिंग स्टेशन के जरिए पानी निकाला जा रहा है और जो पूरा रास्ता है, जो एग्जिट जहां से लोग करते हैं, वो पूरा का पूरा रास्ता जलमग्न हो चुका है। लगातार पंप यहां लगा हुआ है, बावजूद इसके पानी इतना ज़्यादा भर गया है कि वो निकाले नहीं बन रहा है। स्थिति आपके सामने है और ये अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन है जहाँ पर देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस वक्त भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं। सामने जो बोर्ड लगा है उस पर सारे के सारे जो ट्रेनों का शेड्यूल है वो आपको नजर आएगा, कौन सी ट्रेन यहाँ कितने बजे आएगी, कितनी देरी से है, कितने नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। यहाँ बड़ी संख्या में लोग लगातार आ रहे हैं स्टेशन पर, लेकिन इस रास्ते से जहाँ से उनको बाहर आने की सुविधा मिलती थी वहाँ से वो नहीं निकल पा रहे हैं। हम इन यात्रियों से बात करेंगे। सर, हम आसाम से आए हैं। हाँ, अयोध्या आपने देखा आकर के, अयोध्या का बारे में जो सोच कर आए थे वैसा ही मिला सब कुछ? वो टीवी में तो दिखाए थे, काफ़ी कुछ इसमें डेकोरेशन हो गया, बहुत सुंदर बना दिए है, बहुत उन्नति कर दी है। यहाँ तो पानी जल भरा हुआ है पूरा, निकल ही नहीं पा रहे हैं कहीं से, और सब परेशान हो। इसका रास्ता था यहाँ पर, यहाँ तो पूरा बंद पैक है, तो आप किधर से निकल के आए? हम तो इधर पीछे वाली गली से निकल के आए हैं इधर से। तो कोई कुछ शोरूम कुछ है नहीं यहाँ, कुछ सुंदरता कुछ दिखाई नहीं दे रही है। बोल रहे हैं टीवी में दिखाए इतना सुंदरता है, ये वो कुछ तो पता नहीं, पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ। गंदगी काफ़ी दिखी है, गंदगी काफ़ी है यहाँ पर। आसाम में देखे हम लोग टीवी में कि इतना सुंदर दिखा रहे हैं, वही तो देख के हम लोग आए थे यहाँ, फिर देख रहे हैं कुछ अलग ही चक्कर है यहाँ, समझ में नहीं आ रहा। क्या कि जो इमेज सोच कर आए थे आप लोग कि बड़ी सुंदर नगरी है, बड़ा अच्छे से बनाया गया है, तैयार किया गया है, मोदी योगी सरकारों ने जो है इस पर काफ़ी काम किया है, क्या वैसा देखा यहाँ पर? नहीं नहीं, बिल्कुल उसके विपरीत है ये। अच्छा। मतलब बहुत गंदगी फैली हुई है, पानी फैला हुआ है चारों तरफ, कोई सुविधा नहीं नज़र आ रही है हमें। ये क्यों हुआ है, क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? यही कारण है, मतलब रोड सही से बना नहीं हुआ है, इस वजह से जल भरा हुआ है। और क्या, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह नहीं है, मैं देख रहा हूँ नाली नहीं बनाई गई यहाँ। बस अगर नाली होती तो यहाँ जल नहीं भरता। इधर तो सीमेंट की है, मजबूत सड़क बनाई है, लेकिन अगर यहाँ ड्रेनेज बना होता तो पानी ना भरता। जी जी जी, यही कारण है, अगर नाली बगल में होती तो पानी निकल जाता, उसका कोई वो नहीं था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अयोध्या पहुंच सकें, उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसके लिए अयोध्या में अयोध्या धाम स्टेशन बनाया गया था। मेरे बाईं ओर अयोध्या धाम का नवनिर्मित स्टेशन है जहां की तस्वीरें मैंने अभी दिखाई थी कि चारों तरफ जल भराव हुआ पड़ा है। आप देख सकते हो बिल्कुल जो रामलला का मंदिर है उसी डिजाइन में ये पूरा का पूरा स्टेशन तैयार किया गया था। पूरे चारों तरफ इसकी बाउंड्री की गई थी, लेकिन हालात ये हैं कि पहली ही बारिश को अयोध्या धाम के रेलवे स्टेशन के ठीक सामने वाली जो बाउंड्री है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और धराशायी हो गई। मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ से और पूरा जो रास्ता है, लगभग मान के चलें कि 30 से 40 मीटर की जो बाउंड्री है वो गिर चुकी है, पहली बारिश हुई है और ये बाउंड्री ज़मीन पर आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगी। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के मद्देनज़र ये बाउंड्री बनाई गई थी, लेकिन अब फिलहाल जो टेम्परेरी बाउंड्री है उसके जरिए रेलवे स्टेशन के सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए थे। यहाँ कुछ लोग हैं, ये बताएं ये बाउंड्री कब गिरी और कैसे गिरी? सर, बारिश में ही गिरी है, रात में गिरी है, लेकिन कोई था नहीं उस समय। अच्छा। लेकिन यहाँ पानी डंप होने की वजह से सर बाउंड्री गिरी है, बाउंड्री इतनी कमजोर नहीं है। अच्छा, बाउंड्री मजबूत है, पानी जो है ज्यादा जमा हो गया उस वजह से गिर गई। जी, बारिश की वजह से ये दिक्कत, जल भराव की वजह से। अयोध्या में पहली ही बारिश के बाद यहाँ के हालात खराब हो चुके हैं। जलवानपुरा की तस्वीरें दिखाता हूँ, ये पूरा रास्ता आगे की ओर जलवानपुरा की ओर जाता है और देखिये पूरे जलवानपुरा के रास्ते में जल ही जल है, जल ही जल है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं पास में जलवानपुरा। इतना पानी जो भर गया है, इतना काम अयोध्या में हुआ, इतना सड़कें बनी, नाले बने, असर नहीं हुआ? ये राम मंदिर तो सामने है बिल्कुल। नहीं। हाँ,
ये पानी भर जाता है, जब बरसात होता है तो भर जाता है। कितने बार जनरेटर लगाए, सूखा नहीं पानी। अच्छा, हाँ। तो जो काम बताया जा रहा है यहाँ बहुत हजारों करोड़ कर दिया गया, तो यहाँ कोई काम नहीं हुआ था क्या? कुछ काम नहीं हुआ, देख रहे खाली वैसे नाम है पानी पब्लिक। हम लोग तो बाहर से, हम तो इलाहाबाद से आए हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ पानी का नाला एकदम, आदमी जूता पैर भीगते जा रहा है, देख रहे हैं। ये राम पथ है और यहाँ से लगा हुआ बिल्कुल राम मंदिर का जो निर्माण क्षेत्र है वो का पूरा क्षेत्र लगा हुआ है। और स्थिति ये है कि जलकल का विभाग जिसके पास ये जिम्मेदारी होती है कि शहर में जल का प्रबंधन तो करे ही करे, साथ में जल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको दूर करे, लेकिन जलकल का जो अयोध्या का कार्यालय है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि वो खुद ही पहली बारिश के पानी में पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। पानी भीतर जमा है, उसको जनरेटर के जरिए और प्रेशर पंप के जरिए लगातार निकाला जा रहा है। तो ये हालात हैं अयोध्या की एक स्थान के, और ऐसे ही अयोध्या में एक नहीं बल्कि जगह जगह पर जल जमा हुआ है, लोगों को परेशानी हुई है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार हजारों करोड़ रुपए अगर अयोध्या में लगाए गए थे तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर बन गया, बहुत सारे कामकाज हुए, ये राम पथ है पूरा चमकाया गया इसको, आगे जन्मभूमि पथ है उसको भी पैसा लगा करके संवारा गया है, तो ऐसी दुर्दशा क्यों है यहाँ पर? सर, ये भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से है। जो यहाँ के अधिकारी हैं सही से जब काम नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। जगह जगह रोड गड्ढा हो गया, मेन रोड पर गड्ढा, इसी रोड पर राम पथ पर गड्ढा हुआ है, जगह जगह कई घंटे बाद निकलने को मिल रहा है। निर्माण कार्य ठीक से नहीं किया गया? नहीं, ठीक से नहीं किया गया निर्माण कार्य। बहुत बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरीके के हालात इतनी जल्दी क्यों हो गए।